नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज है सावन माह की आखिरी सोमवारी। बिहार में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 8,436 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हुई पूरी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार में चलेगा सास बहु बेटी सम्मेलन। महागठबंधन ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर दिखाई ताकत। हर घर का नल जल पहुंचाने में बिहार ने कायम किया रिकॉर्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज है सावन माह की आखिरी सोमवारी। सावन महीना भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में शिव भक्त सावन के सोमवार को व्रत रखते हैं। वहीं सावन का आखिरी और चौथा सोमवार आज यानी 8 अगस्त को है। सावन के आखिरी सोमवार का विशेष महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखकर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। ऐसा करने से विजय और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है। पूजा के शुभ मुहूर्त की बात करें तो इस दिन कई शुभ संयोग बन रहे हैं। आज के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, इसलिए इस दिन का धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। वहीं हिंदू धर्म में पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त की शुरुआत सुबह 11:59 से होगी और 12:53 तक रहेगी। हर घर नल का जल पहुंचाने में बिहार ने कायम किया रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक नल का जल योजना में बिहार ने रिकॉर्ड कायम किया है। बिहार देशभर में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इस योजना के तहत 34,323 ग्रामीण इलाकों में लोगों तक शुद्ध पानी पहुंचाया है। वहीं बाकी बचे गांवों में इसी साल के दिसंबर महीने तक शुद्ध पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि जल जीवन मिशन के डेटा के आंकड़ों के मुताबिक 5 अगस्त 2022 तक योजना से 1,60,00,000 लाभार्थी जुड़ चुके हैं। साथ ही बचे भूखों को इस वर्ष दिसंबर तक जोड़ दिया जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि बिहार में हर घर नल का जल योजना का काम 99% पूरा हो गया है। बिहार ने हर घर नल का जल पहुंचाने में बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे संजय झा की। संजय कुमार झा एक सफल बिजनेसमैन हैं। संजय झा भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वह ग्लोबल फाउंड्रीज के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मोटोरोला मोबिलिटी के पूर्व अध्यक्ष और सीईओ हैं। इससे पहले वह क्वालकॉम के मुख्य परिचालन अधिकारी थे। आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि संजय झा का जन्म 1963 में भागलपुर जिले के सुल्तानगंज में हुआ था। उन्होंने लिवरपूल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएस और स्ट्रेथक्लाइड विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में पीएचडी की। 2011 में संजय झा को स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी द्वारा डीएससी की मानद डिग्री से सम्मानित भी किया गया था। बिहार में पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 8,436 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत हुई पूरी। बिहार का पथ निर्माण विभाग ग्रामीण इलाकों में सड़कों की मरम्मत और पक्की सड़कों के निर्माण के लिए तत्पर है। नतीजतन बिहार ने ग्रामीण सड़कों की मरम्मत में पथ निर्माण विभाग ने रिकॉर्ड कायम किया है। इस साल के मार्च महीने में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में ग्रामीण कार्य विभाग 8,436 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की है। यह एक वित्तीय वर्ष में इतनी सड़कों की मरम्मत कभी नहीं हुई थी। आपको बताते चले कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में विभाग ने मात्र 5,906 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत की थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभाग ने 8,436 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने में कामयाबी हासिल की है। वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 9,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों की मरम्मत करने का लक्ष्य तय किया गया है। बिहार के तर्ज पर ही देश भर में इस दिन मनाया जाएगा डॉल्फिन डे। बिहार में हर साल 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं अब बिहार की तर्ज पर देश भर में भी 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने के लिए 10 अक्टूबर की तारीख प्रस्तावित की थी और फिर सभी राज्यों से सुझाव मांगे थे, मगर बिहार में पहले से ही 5 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता रहा है, इसलिए केंद्र ने भी इसी दिन को चुना। अब पूरे देश में 5 अक्टूबर को ही डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट ने एक बार फिर से कायम किया रिकॉर्ड। जब से दरभंगा एयरपोर्ट से विमानों का उड़ान प्रारंभ हुआ है, तभी से यह हवाई अड्डा रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम किए जा रहा है। वहीं अब दरभंगा एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत भारत के सफलतम एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। पिछले 6 महीने में दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों की संख्या 10,00,000 के पार चली गई है। वहीं 20 महीने में 6,899 विमानों ने उड़ान भरी है। फ्लाइट के मामले में दरभंगा हवाई अड्डा 95% से अधिक पैसेंजर लोड फैक्टर के साथ
क्षेत्रीय हब बनकर उभरा है। वहीं अब बिहार सरकार से टर्मिनल भवन के निर्माण, कार पार्किंग, कार्यालयों आदि के निर्माण के लिए 78 एकड़ भूमि आवंटित किए जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। आईटीबीपी ने विभिन्न पदों पर निकाली भर्तियां। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स आईटीबीपी ने सब इंस्पेक्टर के कुल मिलाकर 18 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को 10+2 पास होने के साथ ही जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स भी पास होना जरूरी है। इसके अतिरिक्त आवेदक नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस पद से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी और आप ऑफिशियल वेबसाइट itbpolice.nic.in पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बिहार में चलेगा सास बहु बेटी सम्मेलन। बिहार में बढ़ती जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के स्तर पर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब स्वास्थ्य विभाग ने नए सिरे से हर जिले में सास बहु बेटी अभियान को गति देने का फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि पूरे वर्ष चलने वाले इस अभियान के दौरान करीब 5 से 7 लाख सास बहु और बेटियों की भागीदारी होगी। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के सिविल सर्जनों को कहा है कि प्रत्येक पंचायत में 5-7 परिवारों के समूह की बहु बेटियों और सासों को एक जगह इकट्ठा कर सम्मेलन करें। इससे ANM और आशा कार्यकर्ताओं का भी सहयोग लिया जाए। बिहार में मौसम की आंख मिचौली अभी भी रहेगी जारी। बिहार में मॉनसून की सक्रियता कम हो गई है। प्रदेश में बारिश होगी लेकिन कभी भी तेज या भारी बारिश जैसी कोई संभावना नहीं है। हालांकि राजधानी पटना समेत कई जिलों में हल्की बारिश के संकेत हैं। वज्रपात को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी नहीं दी गई है। उत्तर बिहार में हल्की मध्यम स्तर की वर्षा का पूर्वानुमान है तो दक्षिण बिहार में बहुत हल्की वर्षा होने के आसार हैं। कई जिलों में उमस भरी गर्मी बरकरार रहेगी। वहीं अगले दिन 9 अगस्त को मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य बिहार के 19 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इन जिलों में पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा और मधेपुरा शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम में बिहार के लाल ने कर दिया कमाल। इंग्लैंड के बर्मिंघम में आयोजित किए गए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के 9वें दिन बिहार के लाल चंदन कुमार सिंह ने कमाल कर दिया है। उन्होंने भारत के लिए लॉन बॉल्स में सिल्वर मेडल जीता है। आपको बताते चले कि 4 सदस्यीय भारतीय टीम में सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह और दिनेश कुमार शामिल रहे। मुंगेर के हवेली खड़गपुर के रहने वाले चंदन कुमार सिंह शारीरिक शिक्षक के रूप में मध्य विद्यालय समदना हथिया में कार्यरत हैं। इससे पहले चंदन कुमार ने एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड और सिल्वर मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप 2016 में गोल्ड, 2014 में सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। कोरोना पॉजिटिव हुए विधानसभा अध्यक्ष। बिहार में कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव के बीच अब बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से दी है। विधानसभा अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई थी। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद वह आइसोलेशन में चले गए हैं। इसके साथ उन्होंने उन लोगों से जो उनके संपर्क में आए हैं उनसे भी कोविड टेस्ट कराने का आग्रह किया है। हालांकि उन्होंने अपनी स्थिति के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी है। मालूम हो कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना से उबरकर वापस काम पर लौटे हैं। बिहार बोर्ड ने दिया कक्षा 11वीं में नामांकन का एक और मौका। कक्षा 11वीं में नामांकन करवाने वाले छात्रों के लिए अहम सूचना है। बिहार बोर्ड ने इंटर प्रथम वर्ष में सत्र 2021-23 के लिए नामांकन से वंचित रह गए छात्रों को एक और मौका दिया है। बिहार बोर्ड की ओर से 7 अगस्त को जारी सूचना के अनुसार इच्छुक छात्र अब 8 अगस्त यानी आज से 14 अगस्त 2022 तक अपना नामांकन करवा सकते हैं। जिन छात्रों ने पहले अपना नामांकन करा लिया है लेकिन फीस जमा नहीं करा पाए ऐसे छात्र अब 14 अगस्त तक नामांकन शुल्क जमा कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर रिहा किए जाएंगे कुछ चुनिंदा कैदी। बिहार के जेल में बंद कैदियों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने कुछ चुनिंदा श्रेणियों के ऐसे कैदियों को रिहा करने का फैसला लिया है जिन्होंने अपनी जेल की आधी सजा काट ली है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर सजा में विशेष छूट देने का फैसला लिया गया है। राज्य के गृह विभाग की एक जाँच समिति को कैदियों की रिकॉर्ड की समीक्षा करने तथा सजा में विशेष छूट दिए जाने के योग्य कैदियों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। यह जानकारी कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने दी है।
अब इस जिले में सामने आया मंकी पॉक्स संदिग्ध मरीज। दुनिया भर में मंकी पॉक्स का खतरा मंडरा रहा है, वहीं बिहार भी इसकी दहशत में जी रहा है। इस बीच बिहार के औरंगाबाद में दिल्ली से आए एक युवक में मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। पीड़ित युवक को बुखार के साथ साथ उसके शरीर पर बड़े बड़े फोड़े के निशान पाए गए हैं, जिससे कि मंकी पॉक्स की आशंका जताई गई है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने एहतियातन विशेष टीम का गठन कर युवक का सैंपल लेने की तैयारी की जा रही है, जिसके बाद जाँच के लिए पुणे भेजा जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर कुमार वीरेंद्र ने बताया कि जाँच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। इसे लेकर उन्होंने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट भी कर दिया है। वहीं प्रदेश भर में भी इसको लेकर अलर्ट जारी है। राजगीर का गर्म कुंड इस वजह से है बेहद खास। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर की पहचान है यहाँ का गर्म जल कुंड। राजगीर आने वाला हर शख्स इस गर्म कुंड में स्नान करने की ख्वाहिश रखता है। राजगीर में 22 कुंड और 52 धारा हैं। सभी कुंडों और सभी धाराओं को अपना अपना धार्मिक महत्व है। इन्हीं में से एक है ब्रह्म कुंड। इस कुंड के बारे में एक आख्यान है कि प्राकृतिक रूप से निर्मित इन गर्म कुंडों के बारे में कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र राजा वसु ने एक बार माघ महीने में यहाँ एक यज्ञ का आयोजन किया था। स्वर्ग के सभी 33 कोटि देवी देवताओं का इस आयोजन में शामिल होने आए। माघ की भीषण शीतलहरी में स्वर्ग सुख के उपभोग करने वाले देवी देवताओं ने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि उन्हें इस भीषण ठंड से निजात दिलाने के लिए गर्म जल की व्यवस्था करने की कृपा करें। देवी देवताओं की इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी की कृपा से पर्वतों से असीम गर्म जलधारा फूट पड़ी, जो आज तक उसी रूप में प्रवाहित होती है। इसीलिए इस कुंड को ब्रह्म कुंड भी कहा गया है। पटना हाईकोर्ट मना रहा है आजादी महोत्सव सप्ताह। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पटना हाईकोर्ट आज़ादी महोत्सव सप्ताह मनाने जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से की जा रही है। स्वतंत्रता दिवस पर पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की पहल पर 8 अगस्त से 15 अगस्त तक आज़ादी महोत्सव सप्ताह मनाने का निर्णय लिया गया है। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाने और संजोने तथा महान आदर्शों का अनुसरण करने के लिए यह आयोजन होगा और जो हमें राष्ट्रीय संघर्ष के लिए प्रेरित करते हैं उन्हें इस दौरान याद किया जाएगा। महागठबंधन ने सरकार के खिलाफ एकजुट होकर दिखाई ताकत। जनसरोकार के मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बीते दिन रविवार को महागठबंधन ने अपनी एकता का परिचय दिया। इस दौरान न सिर्फ राजद बल्कि कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं ने सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार को जन विरोधी बताते हुए महंगाई बेरोजगारी पर घेरा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा ने पटना में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पद यात्रा करते हुए प्रतिरोध मार्च को अपना समर्थन दिया। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरा देश भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त है। भाजपा सरकार संवैधानिक संस्थाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिहार के किसान बाढ़ और सूखे से तंग आ चुके हैं। पटना सहित पूरे राज्य में प्रतिरोध मार्च में लाखों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही आमजन भी समर्थन में उतरे हैं। ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को बताया षड्यंत्रकारी। जदयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। वहीं अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने आरसीपी सिंह के ऊपर एक बार फिर बड़ा आरोप लगाया है। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ, नीतीश कुमार का कद छोटा करने की साजिश रची गई। 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग मॉडल बनाकर नीतीश कुमार के खिलाफ षड्यंत्र हुआ और अब आरसीपी सिंह को मॉडल बनाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने समय रहते षड्यंत्रकारी को पहचान लिया है। आरसीपी सिंह को क्या पता कि समता पार्टी और जदयू का गठन कैसे हुआ। वे कभी संघर्ष के साथ नहीं रहे बल्कि वे सत्ता के साथ ही रहे, इसलिए वो कभी भी जा सकते हैं। जदयू का राजद से नजदीकी पर भाजपा के मंत्री का बड़ा बयान। आरसीपी सिंह पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने का आरोप। इसके बाद आरसीपी सिंह का जदयू से इस्तीफा देना सियासी गलियारों में उथल पुथल मचाकर रख दिया है। आरसीपी सिंह प्रकरण को लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरसीपी सिंह का जदयू से चैप्टर क्लोज हो गया है। आरसीपी सिंह प्रकरण को अब समाप्त कर देना चाहिए। राजद ने जदयू की नजदीकियों को लेकर विजय चौधरी ने कहा कि राजद से नजदीकियां बढ़ने का कोई लक्षण मुझे नहीं दिख रहा है। बिहार में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसका लोग चित्रण कर रहे हैं या सामान्य राजनीतिक गतिविधि है। जदयू के पूर्व प्रवक्ता ने नीतीश कुमार को बताया नाश कुमार। कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले आरसीपी सिंह के खिलाफ आज जदयू ही उन पर अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा रही है। इस मुद्दे के उजागर होने के बाद सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इस बीच बयानों के बांध तेजी से छोड़े जा रहे हैं। इस बीच पूर्व प्रवक्ता अजय आलोक ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 साल से पीएम बनने की आशा में बिहार का सत्यानाश करने वाले ये महान व्यक्ति नीतीश कुमार नहीं बल्कि नाश कुमार हैं। कबीरदास ने तो अपनी डाल
काटी थी, ये आदमी अपनी छाया को काटने चला है। सोचिए आप लोग, आपका क्या होगा। आरसीपी सिंह के हाल पर तेज प्रताप ने ली चुटकी। आरसीपी सिंह पर अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करने के मामले में जदयू के ही नेताओं ने उन पर आरोप लगाया। इसके बाद आरसीपी सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रतिरोध मार्च पर निकले तेज प्रताप यादव से जब मीडिया वालों ने तेज प्रताप से आरसीपी सिंह के अवैध जमीन के मामले में सवाल पूछा, तो इस पर उन्होंने कहा कि आप लोग देख ही रहे हैं, जिसका पतन होना शुरू हो जाता है वो अपने आप उजागर होने लगता है। इन लोगों ने पूरी तरह भ्रष्टाचार करने का काम किया। नौजवान इधर उधर भटक रहा है, इसलिए हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1942 में बंबई सत्र में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। आज़ादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को 1967 में लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। शास्त्रीय संगीत गायिका सिद्धेश्वरी देवी का जन्म 1908 में हुआ। भारतीय लेखक विश्व साहनी का जन्म 1915 में हुआ। भारतीय चिकित्सा वैज्ञानिक वुलिमिरी रामालिंगस्वामी का जन्म 1921 में हुआ था। भारतीय क्रिकेटर सरदेसाई का जन्म 1940 में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिज्ञ कपिल सिब्बल का जन्म 1948 में हुआ था। 12वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य प्रसन्न आचार्य का जन्म 1949 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर सुधाकर राव का जन्म 1952 में हुआ। भारतीय क्रिकेटर अबे कुरुविला का जन्म 1968 में हुआ। और आज के दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1968-69 में अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा का निधन भी 2000 में हुआ। अब सभी सोशल मीडिया यूजर के अकाउंट किए जाएंगे वेरीफाई। अब सोशल मीडिया पर सभी के अकाउंट वेरीफाई होंगे। सोशल मीडिया के जरिए फेक न्यूज़ के बढ़ते मामलों से परेशान भारत सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार फेक न्यूज़ को फैलने से रोकने के लिए अब कई कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में हाल ही में संसद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राज्यसभा में अपने एक लिखित जवाब में कहा कि सोशल मीडिया कंपनियां अपने यूजर्स को स्वेच्छा से अपने अकाउंट्स वेरीफिकेशन करने का अवसर दें। इसके साथ ही ये प्लेटफॉर्म्स यूजर को अपने मापदंडों के आधार पर ही वेरीफाई करके वेरिफिकेशन मार्क भी प्रदान करे जो उनके अकाउंट पर दिखाई दे सके। इससे ये पता चल सकेगा कि आखिर वो अकाउंट किस व्यक्ति का है। वह यह भी कहते हैं कि यह वेरिफिकेशन कुछ ऐसे ही होगा जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे माध्यमों पर ब्लू टिक से होता है। भारत की स्पिन अटैक के आगे वेस्टइंडीज ने टेके घुटने। वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया ने आखिरी T20 मैच भी जीत लिया। अमेरिका के रोज ब्रोवार्ड रीजनल पार्क में खेले गए 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मैच में हार्दिक पांड्या की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 88 रनों से हरा दिया। हालांकि चौथे मैच को जीतकर भारत ने सीरीज तो पहले ही अपने नाम कर लिया था, लेकिन भारत ने आखिरी मुकाबले को भी जीतकर जीत के साथ विदाई ली। भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला 4-1 से जीत ली। बिहार में मिले COVID-19 के 200 से कम मामले। बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 182 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1013 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 9, अरवल में 2, औरंगाबाद में 8, बांका में 2, भागलपुर में 6, भोजपुर में 2, बक्सर में 1, गया में 4, दरभंगा में 5, पूर्वी चंपारण में 1, गया में 4, गोपालगंज में 2, जहानाबाद में 2, कैमूर में 5, खगड़िया, किशनगंज और लखीसराय में 1, मधुबनी में 2, मुंगेर में 3, मुजफ्फरपुर और नालंदा में 7, पटना में 56, पूर्णिया में 9, रोहतास में 10, सहरसा में 6, समस्तीपुर में 1, सारण में 2, शेखपुरा में 3, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 2, सुपौल में 13 और वैशाली में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 105,864 सैंपल की जाँच की गई है। इस दौरान 188 मरीज ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है औरंगजेब अंसारी, छोटी कुमारी, रामजिनी यादव, कुमार चंदन, संतोष यादव, राजकुमार प्रसाद, पिंटू कुमार, सलीम अली, नीरज कुमार, अमरजीत कुमार, मनीष कुमार और राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके अनुसार हर घर नल का जल पहुंचाने में बिहार सरकार कामयाब हुई है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।